प्रीलिम्स 2021 का रिजल्ट ड्रॉप एज पर द कट ऑफ फॉर वेरियस इंजीनियरिंग कॉलेज विच आर बेस्ट ऑन जेईई मेंस स्कोर हैज बीन ड्रॉप्ड। रीजन तो बहुत सिंपल है, दिस ऑल इज ड्यू टू कोविड पेंडेमिक विच इज स्टिल गोइंग ऑन अक्रॉस द वर्ल्ड। ऐसे में बड़ा सख्त लौट रहा हूँ, लेकिन यहाँ में पिघल गया। तो आप जस्ट देखिए, हर साल जो जेईई एडवांस का कट ऑफ होता है वो 89-90 का जनरल का कट ऑफ है, वो डिक्रीज होके दिस ईयर 87 गया। सेम अबाउट ओबीसी एससी एंड एसटी। सो आई वांट टू से दैट जो कट ऑफ हर बार 89-90 पे रहता था वो अभी ड्रॉप होके आ गया 87 पे। सबसे ज्यादा कट ऑफ में डिक्रीज हुआ एससी और एसटी में, जो पहले था तो 50 या 45 तक था, जो अभी आ गया है 46 एंड 34। नहीं 10 परसेंटाइल का फर्क आ गया दो सालों में। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कोविड। सिम्टम्स ऑफ कोरोनावायरस, वी कैन प्रेडिक्ट दैट कट ऑफ of all competitive exams of year 2021 and 2022 are going to be dropped. The reason is very simple. Students are not getting quality education because of online classes, online tests. मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? रुको जरा, सबर करो, आराम से लेने का। हाँ, क्या होगा नीट का? So नीट 2021 कट ऑफ इज ऑल्सो गोइंग टू बी डिक्रीज। इस साल था कोरोना, कोरोना के साथ साथ डिफिकल्टी लेवल हार्ड, बस आपके ही मार्क्स कम नहीं आए। या वी नो दैट द फिजिक्स वॉज डिफिकल्ट, केमिस्ट्री वॉज इजी, बायोलॉजी वॉज इजी, बट ओवरऑल द पेपर वॉज टफर देन ईयर 2020। क्या करूँ मैं, मर जाऊँ? तो चीजों को कंबाइन करके हम ऐसा बोल सकते कट ऑफ इज डेफिनेटली गोइंग टू डिक्रीज दिस ईयर। बट कितना डिक्रीज होगा वी कांट से, बिकॉज स्टडी करने वाले स्टडी करते ही है। वॉट एवर मे बी द कंडीशंस फॉर द स्टूडेंट्स, इफ दे वॉन्ट टू स्टडी दे मस्ट स्टडी, दे हैड स्टडी, दे विल स्टडी एंड दे विल गेट द बेस्ट रिजल्ट। तो हम ऐसे 100% गारंटी नहीं दे सकते कि कट ऑफ हर कास्ट के लिए डिक्रीज होगा। थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ फर्क आएगा, और वो जरूर आएगा, स्पेशली फॉर दी एससी एंड एसटी, स्पेशली फॉर दी कास्ट एससी एंड एसटी कट ऑफ विल बी डेफिनेटली गोइंग टू डिक्रीज बाय मोर देन 20 और 30 मार्क्स, एंड फॉर ओबीसी इट मे गो फ्रॉम 10 टू 15 मार्क्स, एंड फॉर जनरल ऑल्सो द ट्रेंड विल बी सेम एज ऑफ ओबीसी। तो पहले तो और एक चीज देखिए, दिस इज द ग्राफ कि कितने स्टूडेंट्स नीट एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं और कितने क्वालिफाई होते हैं। ऑलमोस्ट 16 लाख स्टूडेंट्स हैज अप्लाई फॉर नीट, और दिस ईयर 16 लाख प्लस स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेशन किया। और क्वालिफिकेशन का अगर आप आंकड़ा देखें तो हर साल क्वालिफिकेशन का आंकड़ा इंक्रीज होते जा रहा है, बट लास्ट ईयर का आंकड़ा उससे पहले ईयर से कम है। Getting minimum marks to qualify NEET are less than the previous year. This is all because of Corona pandemic. What we can say? We can say that this year number of students qualifying the exam will be also near about 7 lakh. The cutoff to decrease होने ही वाला है, but ज़्यादा नहीं होगा। पढ़ाई करने वाले बच्चे पढ़ाई करते ही हैं। So I can say that more than 700 marks लाने वाले students not more than 20 होंगे in all over India. Yes, थोड़े ना थोड़े students रहेंगे जिन्होंने बहुत पढ़ाई की, like droppers which were studying for 3 years, 4 years just for cracking NEET. So they are definitely going to get the more than 700 marks. Perfect. और जिनका बहुत ज़्यादा dedication था अपने goal के प्रति, उन्होंने without deflection in any condition of corona, उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की, so they will definitely going to cross the 700 प्लस को इन नीट 2021। 20 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे ये, 20 से कम या लगभग 20 बच्चे होंगे। उसके बाद लगभग 650 का स्कोर क्रॉस करेंगे
1000। अगर आपके मार्क्स 600 तक होंगे या 600 से ज्यादा तो आपका रैंक 12000 से कम होगा। अगर आपके मार्क्स 550 होंगे तो आपका ऑलमोस्ट रैंक 20000 से कम या लगभग 20000 के आसपास होगा। आपके 500 प्लस मार्क्स होंगे तो आपका रैंक 40000 मार्क। अगर आपके 450 के आसपास मार्क्स होंगे तो आपका रैंक 70000 के प्लस माइनस हो। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को 400 मतलब लगभग 200 से 400 मार्क्स मिलते हैं। 400 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले बस एक या 1.5 लाख ही स्टूडेंट होते हैं ऑल ओवर इंडिया। बट गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की कोई गारंटी नहीं है बिकॉज रिजर्वेशन फैक्टर MBBS BDMS के सीट को अफेक्ट करने का मेजर कारण है। और अगर आपके मार्क्स 350 प्लस होंगे तो आपका डेफिनेटली आपका रैंक लगभग 1,30,000 से लेकर 1,60,000 तक होगा। ये बहुत सारे साइट के रेफरेंस से लिया गया है सो ये गलत होने की संभावना बहुत कम है। समझ रहे हो ना? रेंज में ये मार्क्स के रेंज में इंडिया के ऑलमोस्ट लैक ऑफ स्टूडेंट होंगे। नीट का एवरेज स्कोर आ जाता है लगभग 220 के आसपास। ये एवरेज स्कोर आ जाता है, अगर आप एवरेज स्कोर के रिस्पेक्ट में लेंगे तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसी एवरेज स्कोर में आ जाते हैं। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। स्टूडेंट्स अगर आपको 200 से कम स्कोर है एक ही सजेशन दूंगा, डोंट वेट फॉर रिजल्ट, आप नीट 2022 की जम के पढ़ाई शुरू कीजिए। अगर आप अभी से पढ़ाई शुरू करेंगे सो आई एम डेफिनेटली सेइंग दैट नेक्स्ट ईयर रैंकर आप ही होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।